बड़ी गुत्थी छुपाने के लिए छोटी गुत्थी में हमको उलझा रहे हैं। मेरा कहना यही है, मैं वही सर से कही हूँ, ऐसा सर से, सर तो वो लड़का को पता लगाना चाहिए जिसके साथ रंगरलिया मना रही है, कह रहे हैं कि तुम्हें नाक दरर के मर जाना चाहिए। एक अभी ऐसा सर मुझे अंदर ही बोले हैं, आ जाओ सर। पुलिस आपको कब तक बैठा रही है? 1 बजे तक बैठाई रही। एक कौन सा पूछताछ है रात का, ये बताइए, एक कौन सा नियम है? कहाँ बैठाई थी? सिधारी थाने बैठाई थी महिलाओं का। अब ये बताइए, सीओ सीटी और सीएम सर सब लोग हैं, ये जब कांड हुआ मेरे घर आए थे, क्या रानीसरा थाने पर नहीं आ सकते थे? नहीं जा सकते थे। सिधारी थाना बड़ा, रानीसरा छोटा है, यानी इन लोग साथ अभी न्याय नहीं मिला। मुझे न्याय नहीं मिला है, मैं सौ में सौ कह रही हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। ये फर्जी खुलासा है। हाँ, फर्जी खुलासा है। अन्वेषण के दौरान ये पाया गया कि उस एरिया में गाड़ी जाना नहीं पाई गई है। लड़की से दोबारा पूछताछ की गई, जिसमें लड़की का ये कथन है कि उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, जिसमें जो जिससे शादी हुई है उसका पति विकलांग और सुनने और बोलने में अक्षम है। उसका गौना दिसंबर 12, 2018 को तय हुआ था जाने के लिए। उसको गौने में दोबारा ससुराल न जाना पड़े अपने पति के साथ, इसके लिए उसने एक कोचिंग से निकलने के बाद सोनवारा रोड पे गई। वहाँ पर अपने कपड़े वगैरह स्वयं उतार करके अपने घर वालों को फ़ोन किया कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है, और उसने एक अपने घर वालों को इस तरह की बात बताई ताकि ये बात उनके ससुराल वालों को पता चल जाए और उन्हें उसे फिर वो ससुराल वाले ना ले जाए और उससे वहाँ से ससुराल में न जाना पड़े।